गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है लघु उद्योग। हमने आज आपने देखा है पीछे टॉपिक लिखा हुआ है भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका। तो हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है वो लघु उद्योग से, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग लगभग सेम से ही माने जाते हैं। बस लघु से जो पिछली जो इकाई है वो कुटीर उद्योग की इकाई है। तो भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से देश के विकास में अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये छोटी पूंजी वाले उद्योग होते हैं, इसलिए हमने दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है। जो कि हमारा क्वेश्चन है वो बेस्ड मुख्य रूप से लघु पे है, लेकिन फिर भी हमने दोनों को मिक्सअप करते हुए दोनों की जो भूमिका है हमने एक साथ यहाँ ली है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग क्या है। तो बात करें सबसे पहले कुटीर उद्योग की, तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो एक ही परिवार के द्वारा एक ही छत के नीचे संचालित होते हों। पूर्व में पुराने आंकड़ों के अनुसार लगभग 1 लाख रुपए की जो पूंजी लगी हुई होती थी इस प्रकार के उद्योगों में, और एक ही परिवार के लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो उद्योग है वो संचालित होते थे। आज भी हम महानगरों में जाते हैं तो वहाँ ऐसे बहुत सारे छोटे कुटीर उद्योग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनमें जो पूंजी की मात्रा है वो लगभग 1 लाख के अंदर ही होती है। वर्तमान में जो लघु उद्योग की जो सीमा है वो 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक कर दी है। 5 करोड़ वाले 5 से 10 करोड़ के बीच में जो भारी मशीनरी जिन उद्योगों में प्रयोग ली जाती है उनकी सीमा 10 करोड़ तक है, लेकिन सामान्यतः 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक इसको हम वर्तमान में देख रहे हैं। लेकिन पूर्व में आंकड़ा जो करीब 5 लाख से ऊपर हुआ करता था। तो इस तरीके से हम देखें तो कुटीर उद्योग है उसकी लिमिट भी काफ़ी बढ़ गई है। तो 5 लाख तक के जहाँ पूंजी इन्वेस्ट की गई उसको भी हम लगभग कुटीर उद्योग की श्रेणी में ले लेते हैं। लेकिन ऑल ओवर अभी भी भारत में यदि कुटीर उद्योग की बात करें तो यही आंकड़ा है कि लगभग 1-2 लाख रुपए लगा करके एक ही परिवार के लोगों के द्वारा और एक ही छत के नीचे इस प्रकार के जो उद्योग है इनका संचालन होता है। तो ये सारे कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, और बड़े महानगरों में इस प्रकार के जो उद्योग है वो लाखों की संख्या में है। और बात करें हम लघु उद्योग की, तो लघु उद्योग के अंतर्गत है, हमने पूंजी की बात कर ली कि पूंजी जो संख्या है वर्तमान में जो 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक है, लेकिन जो भारी मशीन जहां यूज़ में होती हो वहां 5 से 10 करोड़ के बीच में भी लघु उद्योग की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो जहां इतनी पूंजी विनियोजित हो रही है वो लघु उद्योग की श्रेणी में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि लघु उद्योग में और कुटीर उद्योग में थोड़ा पैसे का जो अंतर है ये ज़रूर है, लेकिन ये जो छोटे उद्योग है ये देश के विकास में दोनों ही अपना अहम रोल अदा करते हैं। और किस तरीके से अदा करते हैं, आप महानगरों में जाओगे तो आपको और भी अच्छे से इनकी जानकारी मिल पाएगी। फिर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये उद्योग है जो किस तरीके से काम करते हैं, इनकी देश में क्या भूमिका है। तो कुछ हमने पॉइंट्स लिख रखे हैं, पॉइंट्स के आधार पर हम ये बताएंगे कि इन जो लघु और कुटीर उद्योग है इन दोनों की भूमिका हमारे देश में एक अहम है। और इसी सिलसिले में महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत का उद्धार तभी संभव है जब देश में बड़ी मात्रा में लघु एवं कुटीर उद्योग होंगे। उन्होंने विशेष रूप से कुटीर उद्योग का कहा था कि कुटीर उद्योग बड़ी मात्रा में होंगे। और इसी प्रकार के जो विचार है जो वो रखे थे नेहरू जी ने भी, उन्होंने भी कहा था कि भारत एक औद्योगिक राष्ट्र तभी बन सकता है जब देश में बड़ी मात्रा में या लाखों की मात्रा में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाए। तो दोनों की लगभग बातें सेम सी थी कि लगभग दोनों ही कंडीशन में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बड़ी मात्रा में पनपता हुआ देखना चाह रहे थे, जिससे कि देश है जो तरक्की करे और विकास के रास्ते पर आए। तो ऑल ओवर हम समझ गए कि देश के विकास में लघु एवं कुटीर उद्योगों की बड़ी भूमिका है। तो इस तरीके से लघु और जो कुटीर उद्योग है उनकी जो विशेष रूप से हम बात इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भूमिका रहती है देश के विकास में। तो कुछ इसके पॉइंट्स ले रखे हमने। तो पॉइंट्स में सबसे पहले रोजगार, तो रोजगार बहुत बड़ी मात्रा में लघु एवं कुटीर उद्योगों का हमने एक आंकड़ा लिख रखा है 2006-07 का, लगभग 6 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में आंकड़ा इससे भी कहीं बड़ी मात्रा में है। लगभग हमारे देश में 15 से 20 करोड़ लोग हैं जो आज लघु एवं कुटीर उद्योग की में अपने जीविका है, जो जीविकोपार्जन के रूप में इस दोनों धंधों को अपनाया हुआ है। तो कहने का मतलब यही हुआ
कि जो लघु एवं कुटीर उद्योग है वो लोगों के जो जीविकोपार्जन के रूप में सबसे ज़्यादा काम आने वाले जो उद्योग है। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो बड़ी मात्रा में जो है प्रोडक्शन होता है, दूसरा कम पूंजी में ये संचालित होने वाले होते हैं, इसके अलावा इसमें ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है कि इसमें स्पेशल वर्कर चाहिए या स्पेशल इसमें जो इंजीनियर चाहिए, तो ऐसे कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। सामान्यतः सामान्य प्रकार के लोगों के द्वारा ये उद्योग है जो बड़ी मात्रा में संचालित हो जाते हैं। तो इसलिए रोज़गार का वर्तमान में ये सबसे बड़ा साधन बना हुआ है। तो बात करें आगे नेक्स्ट पॉइंट की कि कम पूंजी और अधिक उत्पादन, तो हमने भी बात करी कि ये जो ऐसे उद्योग है जो कम पूंजी में ही संचालित हो जाते हैं और प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में होने के कारण इनका प्रोडक्शन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो हमें एक आंकड़ा लिख रखा है कुल उत्पादन का, यानी टोटल हमारे देश का जो प्रोडक्शन होता है उसका 39% है जो लघु उद्योगों के द्वारा ये उपलब्ध होता है और 260 लाख इकाइयाँ वर्तमान में लघु उद्योगों के अंतर्गत कार्यरत है। तो ये एक अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा है, फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में लघु उद्योगों द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। और कुटीर उद्योगों की बात करें तो क्योंकि कुटीर उद्योग का जो प्रोडक्शन तो बड़ा होता है लेकिन ये अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ले लिया जाता है, विदेशों में इसको निर्यात कम ही किया जाता है, लेकिन ये भी जो कुटीर उद्योग है इनका जो प्रोडक्शन ये भी बहुत बड़ी मात्रा में, इनका एक्यूरेट आंकड़ा हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी यदि बात करें तो लघु उद्योगों से भी कहीं ज़्यादा इनका जो प्रोडक्शन देश में काम आ रहा है। आय एवं व्यय का न्यायोचित वितरण, अब यदि बात करें कि यदि केवल देश में बड़े बड़े उद्योग होंगे तो सारा का सारा लाभ है वो केवल अकेले ही हड़प जाएंगे, तो इसलिए केवल बड़े उद्योगों को इसमें लाभ नहीं होता है बल्कि लघु एवं कुटीर उद्योगों से सभी प्रकार के जो वर्ग है, ठीक है, उनको सभी को लाभ होता है और केवल बड़े उद्योगपति या बड़े व्यवसायी है उनके पास ये जो सारा सारा पैसा नहीं जाता है। तो इस तरीके से धन और आय का जो वितरण है बहुत सारे लोगों में बंट जाता है। ये बहुत सारे लोग कौन है? ये लघु उद्योग वाले लोग है, ये कुटीर उद्योग वाले लोग है। तो कहने का मतलब पैसा है जो काफी जगह बंट जाता है, कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा नहीं होता है। तो ये इसमें जो मुख्य रूप से बात आती है, तो इस तरीके से धन का न्यायोचित वितरण भी हो जाता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की अर्थव्यवस्था का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास के लिए देश में लघु एवं कुटीर उद्योग है जो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिलता है, आय के साधन के रूप में लोगों को बहुत ही बड़ा फायदा होता है और भरपेट यदि आय प्राप्त होगी तो भरपेट लोग खाएंगे और आराम से अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक है, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा पाएंगे। यदि लोगों को उद्योग धंधे यदि इस प्रकार से नहीं मिलेंगे तो हर प्रकार से परेशानियां आएगी और ये परेशानियां उनके जो सर्वांगीण विकास की यदि बात करें तो उसमें ये बाधक होती है। तो सर्वांगीण विकास में ये अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, ठीक है, यदि कुछ एक उद्योगपतियों के पास यदि अर्थव्यवस्था यदि आ जाती है तो फिर वो केवल वही लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन लघु एवं कुटीर उद्योगों के आने से बड़ी मात्रा में काम करने से जो अर्थव्यवस्था है वो विकेंद्रित हो जाती है, केवल कुछ एक लोगों के पास अर्थव्यवस्था का कंट्रोल नहीं होता है जबकि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करने से अर्थव्यवस्था में अन्य लोगों को भी बहुत बड़ी मात्रा में फायदा होता है और अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के पास सिकुड़कर नहीं रहती है, तो यह फायदा होता है। नेक्स्ट यदि बात करें उद्योगों का विकेंद्रीकरण, तो ये बात सेम ही आ जाती है इसी में कि उद्योग धंधे कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं, यदि लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में यदि बड़ी मात्रा में ये काम करेंगे जो ये छोटे छोटे इकाइयाँ हैं तो उद्योग धंधों का भी क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। अदरवाइज हमें बड़े उद्योगपति एक गिनती के ही इक्का दुक्का देखने को मिलेंगे, उन्हीं के नाम हमारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए भी लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना बहुत जरूरी है और इनको विकसित किया भी जा रहा है और ये अपने जो आगे जो विकास के जो पथ है इस पर अग्रसर भी है। नेक्स्ट बात करें विदेशी मुद्रा प्राप्ति, तो विदेशी मुद्रा प्राप्ति में भी ये जो लघु उद्योग है वो कहीं पीछे नहीं रहे हैं। हमने बात करी कि कुटीर उद्योगों का जो प्रोडक्शन होता है ज़्यादातर हमारे देश में उसको यूज़ में ले लिया जाता है, विदेशों में बहुत ही कम नए के बराबर ही बेचा जाता है, लेकिन लघु उद्योगों में जो चीज़ें तैयार होती है वो विदेशों में बेचने लायक होती है और बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें होती है। तो हम एक आंकड़ा दें, अप्रोक्सीमेटली आंकड़ा हमारा 160,000 करोड़ रुपये की आय प्रतिवर्ष लगभग हमारे देश में
हमें होती है विदेशों से, और लगभग कुल निर्यातों का ये 34% के आसपास है जो हमारे देश में वर्तमान में बना हुआ है। तो 34-35% के आसपास ये जो आंकड़ा है, अभी 34-40% के बीच में लगभग है ये जो आंकड़ा है जो विदेशों में हम निर्यात करते और पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो लघु उद्योग है वो बहुत बड़ी देश में अपनी भूमिका है जो निभा रहे हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, संचालन की सरलता, क्योंकि कम लोग होते हैं, ज़्यादा ट्रेंड या टेक्निकल चीज़ें इनमें जरूरत नहीं पड़ती है टेक्नोलॉजी की। तो जो छोटी मोटी जो चीज़ें नई टेक्नोलॉजी आती है वो सामान्य लोग हैं, सामान्य पढ़े लिखे लोग हैं वो ही समझ सकते हैं और वो भी इसी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इनकी संचालन की क्या होती है, बिल्कुल सरलता होती है और छोटे होने के कारण ये आसानी से सुगमता से चल सकते हैं। तो इसमें किसी विशेष स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए फायदा होता है कि संचालन में सरल होते हैं। औद्योगिक शांति, ये एक और बड़ा फायदा है कि बड़ी मात्रा में यदि उद्योग धंधे रहेंगे तो औद्योगिक वातावरण है वो भी शांत बना रहेगा। यदि कुछ एक लोगों के पास यदि ये उद्योग धंधे यदि केंद्रीकृत रहते हैं तो उनमें आपस में ज़बरदस्त कंपटीशन रहता है एक दूसरे को पीछे करने में, लेकिन जब लाखों करोड़ों की जब संख्या में ये उद्योग धंधे हों तो फिर कॉम्पिटिशन की ज़्यादा वैल्यू नहीं रह पाती है। वो कॉम्पिटिशन इतना ही होता है, लगभग कहने का मतलब है इक्वल सा ही मैटर चलता रहता है वस्तुओं में, जो नए तो इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और लगभग समान रेट में चीजें जो हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन का कारण यही होता है। तो औद्योगिक शांति का वातावरण बना रहता है। युद्ध में सुरक्षा, हम देखते हैं कि जब युद्ध होता है तो उद्योग धंधे सारे के सारे क्या है, बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक दुश्मन देश दूसरे दुश्मन देश के ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान करना चाहता है, वो चाहता है जान और माल का नुकसान, और उद्योग धंधों में जान और माल दोनों ही होते हैं। क्योंकि ये जो लघु एवं कुटीर उद्योग है ये घरों से संचालित हो सकते हैं या छोटे छोटे स्तर पे इनको संचालित किया जा सकता है, ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। तो युद्ध की स्थिति में भी ये जो लघु एवं कुटीर उद्योग है वो संचालित रह सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा फायदा होता है कि युद्ध की स्थिति में भी इन उद्योग धंधों को बंद नहीं करना पड़ता है, देश की आपूर्ति लगातार बनी रहती है और देश कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये फायदा होता है इसमें। तो युद्ध में सुरक्षा मिलती है इनसे। कलात्मक एवं श्रेष्ठ वस्तुएं, इन इस प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं इनमें कलात्मक और श्रेष्ठ वस्तुएं ही उत्पादित होती है। हम देखते हैं बहुत सारी जो लघु उद्योगों के द्वारा चीज़ें हैं जो बनाई जाती है, जो विदेशी लोग बड़ी मात्रा में इंडिया से खरीद के भी ले जाते हैं, नए ऑर्डर भी देते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। तो कहने मतलब इनमें जो चीज़ें तैयार होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। देश की सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप, हमारे देश की एक संस्कृति ऐसी रही है कि सादा जीवन उच्च विचार वाली। तो इसमें यदि बड़ी मात्रा में लघु एवं कुटीर उद्योग होंगे तो पैसा भी बड़े लोगों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों में बंट जाता है। तो ज़्यादा किसी को लालच भी नहीं रहता है, सबको पता है कि हमें एक निश्चित मात्रा में इतना पैसा मिलना आराम से हम अपना जीवन गुजार सकते हैं। जबकि बड़े उद्योग यदि धंधे यदि पनपते हैं तो बड़े उद्योगों में ये रहता है कि मैं अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करूँ। तो इस कंडीशन में वो लोगों के जो जीवन है उस पर कहीं ना कहीं आर्थिक भार जरूर डालते हैं। तो इससे हमें जो परेशानियाँ होती है, तो इससे बचने के लिए जो ये लघु एवं कुटीर उद्योग है वो जो ये लाइन लिखी है इस पे बिल्कुल सटीक बैठते हैं। व्यापार चक्रों से मुक्ति, तो हम जानते हैं कि व्यापार चक्र कभी तेजी का दौर आता है तो कभी मंदी का दौर होता है, लेकिन ये तेजी और मंदी के दौर बड़े उद्योगपतियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें तेजी के दौर में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है और मंदी के दौर प्रोडक्शन होना हो जाता है बंद, क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में लेबर काम करते हैं, बड़ी मात्रा में लोगों का पैसा लगा होता है, तो बड़ी दिक्कतें होती है। लेकिन छोटे जो उद्योग है ये लघु उद्योग कुटीर उद्योग है इन पर व्यापार चक्रों को विशेष फर्क नहीं पड़ता है और ये अच्छे से उसी सुगमता से उसी सरलता से काम करते रहते हैं। तो इसलिए व्यापार चक्रों में इनका जो फायदा है वो बहुत अच्छा रहता है। शीघ्र उत्पादन, यदि बात करें कि लघु एवं कुटीर उद्योगों में तो उत्पादन बहुत जल्दी से होता है क्योंकि इनके जो उत्पादन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही कम टाइम की होती है। इसी प्रकार के प्रोडक्शन चीज़ें प्रोड्यूस इसमें होती है, इस वजह से ये भी फायदा होता है कि प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी होता है और देश में आपूर्ति लगातार बनी रहती है लंबे टाइम तक, कोई दिक्कत नहीं होती है। आय में वृद्धि, तो आय की बात करें तो देश की आय में वृद्धि होती है और लोगों की आय यानी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। तो लगातार ये आय हमारी है जो बढ़ती जा रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामान्य जो जीवन में भी हमें देखने को मिलता है कि लोगों की आय लगातार बढ़ती है न कि घटती है। तो बढ़ने का कारण यही है कि बड़ी मात्रा में देश में लघु एवं कुटीर उद्योग है जो ये तरलता बनाए हुए हैं और रोजगार बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देश के विकास में ये जो लघु एवं कुटीर उद्योग है ये
अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिए।